ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। 17 फरवरी को खबर आई थी कि जामनगर कोर्ट ने राजकुमार संतोषी को 2 साल जेल की सजा सुनाई है, साथ ही उन्हें शिकायतकर्ता को 2 करोड़ रुपए देने का आदेश भी दिया गया। इस खबर के बाहर आने के बाद राजकुमार संतोषी के आने वाले प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठने लगे। ऐसे में अब राजकुमार संतोषी का जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस केस में कोई दम नहीं है और डरने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए इस केस को फर्जी बताया, साथ ही कहा कि वो बस फेमस होने की कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस देश के न्यायतंत्र पर भरोसा है। उन्होंने अपनी फिल्म लाहौर 1947 की शूटिंग शुरू कर दी है और वो अभी उसी पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि 18 फरवरी से शबाना आज़मी इस फिल्म से जुड़ेंगी और वो उनके साथ शूट करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। आपको बता दें कि लाहौर 1947 को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म में शबाना आज़मी के अलावा सनी देओल, प्रीति जिंटा और अभिमन्यु सिंह जैसे एक्टर्स भी नज़र आएंगे। बाकी आमिर खुद भी इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो करने वाले हैं। राजकुमार संतोषी का कहना है कि उनके वकील ये केस संभाल रहे हैं। उनके वकील बिनेश पटेल ने बताया कि वो लोग मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में आगे कहा कि कोर्ट ने अपने फैसले पर 30 दिन का स्टे लगा दिया है और मिस्टर संतोषी को जमानत भी दे दी है। प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाया जिससे ये साबित हो सके कि मिस्टर संतोषी ने उनसे कोई भी पैसा लिया हो। प्रोसिक्यूशन ने खुद माना कि किसी तीसरी पार्टी ने शिकायतकर्ता से पैसा लिया था, उसके बदले में तीसरी पार्टी ने छेड़छाड़ किए गए 11 चेक जमा करवाए जिनके बारे में मिस्टर संतोषी को कोई खबर नहीं थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और हमारे खिलाफ फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता इस केस में उस तीसरी पार्टी को शामिल नहीं करना चाहते जिन्होंने पैसा लिया था। ऐसे में हम इस जानकारी के साथ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। दूसरी ओर शिकायतकर्ता अशोक लाल के वकील पीयूष भोजानी ने बताया कि 17 फरवरी को राजकुमार संतोषी कोर्ट में मौजूद नहीं थे। उन्होंने ये भी बताया कि इस केस में संतोषी के जेल जाने की आशंका बहुत कम है। उन्होंने बताया कि कोर्ट का फैसला आने के बाद आपको अपील फाइल करने के लिए 30 दिन का समय मिलता है। अपील फाइल करने के बाद 20% राशि जमा करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जेल हो सकती है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायतकर्ता अशोक लाल नाम के व्यवसायी ने साल 2015 में राजकुमार संतोषी को एक फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। इस कर्ज को चुकाने के लिए राजकुमार संतोषी ने 10 लाख रुपए के 10 चेक दिए थे। दिसंबर 2016 में ये सभी चेक बाउंस हो गए। पहले शिकायतकर्ता ने इस बारे में फिल्म मेकर से बात करने की कोशिश की लेकिन राजकुमार संतोषी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में उन्होंने राजकुमार संतोषी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। 15 अप्रैल 2023 की तारीख को जामनगर कोर्ट ने कहा कि बाउंस हुए हर एक चेक के लिए राजकुमार संतोषी को 15,000 रुपये की राशि जमा करनी होगी, यानी कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपये। इस दौरान उनके नाम समन जारी किए गए लेकिन उन्होंने कभी किसी भी समन का जवाब नहीं दिया। उसके बाद आखिरकार उन्हें समन का जवाब देना पड़ा लेकिन कोर्ट में वो पेश नहीं हुए। इसके बाद उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया और तब जाकर वो कोर्ट में पेश हुए। 17 फरवरी को जामनगर कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई, साथ ही अशोक लाल से लिए गए कर्ज की 2 गुना राशि उन्हें जमा करानी होगी। खबर लिखे जाने तक राजकुमार संतोषी ने जमानत हासिल नहीं की है। आपको बता दें कि राजकुमार संतोषी के खिलाफ पहले भी ऐसे केस लग चुके हैं। साल 2022 में दिल्ली की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी यमन ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।